आज का व्लॉग हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। ओके सो गाइस, तो आज अभी अपन कोई बुकिंग पे तो जाने वाले नहीं है। एक सेकेंड, मम्मी है ये, मैम और पापा। हाँ हाँ, उसको रहन दो। टिंग 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 टिंग। थोड़ा मसाज भी जरूरी है जीवन में। ये देखो हो गया तैयार। मैं तेरा बोला मम्मी का लाडला बेटा तैयार। हाँ कितना लगा? बस 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 चुका। और अभी अपन जा रहे हैं फिर से अपने अगेन शॉप पे, तो वहाँ पे देखते हैं साउंड सिस्टम वगैरह। और अभी मैं अपने फ़ोन वगैरह बनवाने आया था तो वो सारा कुछ बन गया। अभी पार्किंग में हूँ, मैं गाड़ी ले लूँगा और मॉस्फेट भी बन जाएगा। और एक फ्लेयर लेना था हाइस का, तो वो भी मिल जाएगा। तो अभी वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। और नया सिस्टम वगैरह है वो भी अपन जाके वहाँ पर चेक करेंगे और ब्लॉग एंड वगैरह करके अपन उसमें अपलोड करेंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं। चुके हैं और ये इधर सेटअप रखा हुआ है। एक सेकेंड, इधर दरवाज़ा खुला है और इधर से बहुत हल्ला हो रहा है, तो अभी ये बंद कर देते हैं। सो देखो, मेरा एक अलग चैनल है जो प्रॉपर व्लॉगिंग का होता है, और ये वाले चैनल पे इन सब से रिलेटेड व्लॉगिंग, मतलब ये यहाँ पे से समझ में आएगा, मतलब साउंड सिस्टम डीजे ऑल एंड ऑल 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 ऑल। तो आज रायपुर जाने का मेन रीज़न था ये हाइस का फ्लेयर लेना था अपने को, ये बनवाना था। वो मिल चुका है बट वो फिट नहीं बैठ रहा है वहाँ पे। तो मे बी मैं मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को और जा सकता हूँ रायपुर। और मैं सोच रहा हूँ वाइड एंगल से शूट करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ तो वाइड एंगल से इसलिए बोल रहा था, मेरे को पता नहीं है इसमें मैं कैसा दिख रहा हूँ, बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। और अभी फ़ोन मेरा बहुत ही अच्छा है वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं अभी इसे शूट कर रहा हूँ और प्रॉपर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं अपन। तो इधर पे मेरा बेस वगैरह रखा हुआ है, बेस है और इधर टॉप है और ये मॉनिटर है। मॉनिटर इधर से देख सकते हो, ये मॉनिटर है इसी का, ये बोला जाए हाइस है, तो इसका ही फ्लेयर लेने गए थे। इधर कपड़े वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि अपन जब भी बुकिंग पे जाते तो ये सारे कपड़े भी छाते थे, क्योंकि मैंने इसका कवर अभी नहीं लिया। और ये मेरा आहूजा का ब्रांड न्यू एम्पलीफायर है और ये मॉस्फेट एम्पलीफायर है, मतलब एक ही चीज़ है दोनों, बट इसको मॉस्फेट बोला जाता है, मुझे भी आइडिया नहीं है क्यों, बट मॉस्फेट मैं बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं मॉस्फेट यहाँ पे बोल रहा हूँ। और ये बेस का स्पीकर है और ये भी बेस का स्पीकर है। ये सारे सिंगल सिंगल 2000 वाट के स्पीकर्स वाले बेस के स्पीकर है। और ये KBX का, जैसा कि आप लोगों को इसकी ब्रांडिंग पता होगी। और ये दो और अलग मॉस्फेट्स हैं, KBX की एक और बॉक्स है। इधर पे चार टॉप रखे हुए हैं और इस टॉपिक पे हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो दिखाऊंगा फिर से, मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ बट इसकी फिर से अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये क्रॉसवर डॉलर्स का रखा हुआ है। तो अपन इस मिक्सर के बारे में बात करेंगे कि बहुत स्पेशल मिक्सर है। इसका USB मैं लेने गया हुआ था, मुझे नहीं मिला बट हम लेंगे ज़रूर। तो अभी ये सब वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और मुझे ये चेक भी करना था बट इसका फिट नहीं हो पाया, तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिक्सर के बारे में बताऊंगा और साउंड टेस्टिंग वगैरह। और अभी मैं बीच में रायपुर में ही मेरे फ्रेंड की कोई इवेंट थी, वहाँ पे गया हुआ था, भागवत था वहाँ पे, तो वहाँ का भी एक बार साउंड चेक कर लेंगे। थोड़ा सा ही वीडियो है, क्लिप है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो
एंड करते हैं यहीं पे, और कल अपन ना मिक्सर के बारे में बात करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे उसकी। तो बाय।